राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक का नए भव्य कार्यालय की स्थापना शहर के रामनगर स्थित तिरुपति कॉम्प्लेक्स में की गई है। इस कार्यालय का शुभारंभ शनिवार को चंद्रपुर के सांसद बालू धानोरकर और इंटक के अध्यक्ष के सिंह इनकी उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम में विदर्भ के सभी यूनियन के पदाधिकारी, सदस्य व कर्मचारी उपस्थित थे। बालू धानोरकर ने संबोधित करते हुए कहा कि कोयला खदान मजदूरों की समस्या के बारे में पीएम मोदी और सोनिया गांधी से चर्चा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक अधिवेशन आयोजन किया जाएगा जिसे सभी की समस्या की जानकारी हो। आज मुझे बड़ा गौरव और खुद को एक खुशी महसूस हुई कि आज इंटक का ऑफिस एक सेंट्रलाइज एरिया, ये भारत देश का जो सेंटर है नागपुर, यहाँ पे WCL का एक ऑफिस ओपन हुआ। इसके माध्यम से आज तक जो भारत सरकार ने इंटक के हमारे WCL पे जो कर्मचारी है, नेतागण है, उनके ऊपर काफ़ी अन्याय किया है, पर आज मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये बालू धानोरकर साथ में है। मैंने आदरणीय पंतप्रधान जी को भी इसके बारे में चिट्ठी लिखी, उनके साथ पौन घंटा मैंने ये बात पे डिस्कस किया। आदरणीय हमारी पक्ष नेता अध्यक्षा सोनिया जी मैडम, उनके साथ भी मैंने इस पर काफ़ी डिस्कस किया। ये एरिया के जो CMD WCL के, उनके साथ भी ये बारे में डिस्कशन हुआ। और अभी मैंने कहा कि एक अधिवेशन बुलाया जाएगा WCL एरिया का टोटल, जो अधिवेशन के माध्यम से कुछ जो समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, बार बार हमारे मजदूर भाइयों को, बार बार हमारे कर्मचारियों को जो तकलीफें आ रही, वो सॉल्व करने के लिए पूरी समस्या मैं अवगत कर लूँगा, पढ़ लूँगा, उनके साथ एक दिन भर पूरा प्रोग्राम अटेंड करेंगे हम। उसके बाद CMD के साथ इसके बारे में एक मीटिंग लगाऊंगा, जरूरत गिरी तो चेयरमैन के साथ भी मीटिंग लगाऊंगा, उससे ज़्यादा भी जरूरत गिरी तो प्रहलाद जोशी जी जो मिनिस्टर है उनके पास भी जाऊंगा, क्योंकि इनके पास भी मैंने आदरणीय हमारे धनंजय जी गुंडावार और हमारे KK सिंह जी, सभी सारे नेतागण थे, उनके साथ मैंने हमारे प्रहलाद जोशी जी जो मिनिस्टर है कोयले के, उनसे ये सब बातें डिस्कस की। मुझे आज एक खुशी है कि एक खुद का ऑफिस पार्टी ने बनाया यहाँ पे, और हमेशा ही यहाँ पे अच्छा काम होगा और सबको न्याय दिलाने के लिए मैं तैयार होऊंगा।